रोहित शर्मा कप्तानी उनकी, बैटिंग एक तरफ है, कप्तानी दूसरी तरफ। जब आप एक बैट्समैन भी आपके ऊपर, मतलब आप जो नींव रखेंगे उस पर ही टीम डेवलप करेगी अपने, तो आपके दो किरदार हो जाते हैं और आपको दो चीजों पर जज किया जाएगा, आप कैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कैसी कैप्टेंसी कर रहे हैं, दोनों पर जज करके बताइए। नहीं देखिए, आज के मैच में तो उन्होंने कैप्टेंसी अच्छी नहीं की, क्योंकि जब आप इतने स्कोर 169 पे जाते हैं तो कैप्टन का पहले मोटिवेट करना पहले जरूरी होता है। सबसे पहले उसका काम है जब ग्राउंड के अंदर जाए, भाई कोई बात नहीं, हमने रन बना लिया, हमने इनको रन ये करने नहीं देने। और बाद में जो जैसे हमने डिस्कस किए, एक दो पॉइंट्स जो डिस्कस किए, विकेट कीपर को ऊपर रखा, फिर बॉलिंग चेंज करना, एक दो जो उन्होंने जल्दी अक्षर उसको एक ओवर करा के हटा दिया, तो ये सब चीज़ें दर्शाती क्या है कि यही दर्शाती है कि थोड़े से मेरे को लगा कि वो अपने लय में नहीं थे। भाई जब भी हम रोहित शर्मा की अच्छी कैप्टनसी की बात करते हैं तो हम आईपीएल के जो टाइटल है, जो जीते हुए टाइटल है उसकी बात करते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने टाइटल जिताए हैं बड़े मुंबई इंडियन को, बट देख आंकना भी हमें उसी पैमाने से चाहिए जहाँ पे हम इंडियन टीम में जब आप आते हैं तो आप कैसे कैप्टन से, हम एमएस धोनी को क्यों आंकते हैं कि सबसे बड़ा कैप्टन है, बिकॉज उसके उसने किया है अच्छा, उसने आईपीएल भी किया, आईपीएल चाहे आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट हो, पर उसने वर्ल्ड की नंबर वन टीम बनाई टेस्ट क्रिकेट, उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने 2020 का वर्ल्ड कप जीता, और यही टाइटल होते हैं, आईसीसी ट्रॉफी जीती, और क्या और कौन से टाइटल होते हैं। तो बट यहाँ पे अगर मेरे से रोहित शर्मा, अब मेरे को तो थोड़े से ना क्वाइट से जरूर है, बट ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड स्लो भी बड़े लगते हैं, यू नो थोड़ा सा, यू नो कहते ना पंजाबी में कहते मवाली टाइप कैप्टन होना चाहिए। हाँ। नहीं, वो तो विराट कोहली कर रहे थे कौन से आईसीसी टूर्नामेंट पर, विराट कोहली देखिए उसका अपना पैशन है, एक वो जिस पैशन से करता है, देखिए मैं उसको लाइक करता हूँ इसलिए कि उसमें वो दिखाता है ग्राउंड के अंदर, हाँ मैं लेट्स फाइट एंड ऑल, क्योंकि पहला हम सब बात करते थे जिन्हें भी हमारे दर्शक हैं या जो लोग थे, नहीं इंडियन टीम्स आर नॉट वेरी अग्रेसिव दिस एंड दैट, एक ऐसा खिलाड़ी आया जो अग्रेसिव है तो उनकी बैटिंग तो हमारा आधार बन जाती है, उनकी बल्लेबाजी ऐसी रहती है कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, उनका प्रेजेंस ऑन पिच टेरर होता है सामने वाली टीम के लिए। पर रोहित के लिए ये दिक्कत आ रही है अभी, तो क्या बैटिंग फॉर्म कैप्टेंसी को अफेक्ट करता है? बिल्कुल वही हुआ है, मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में जब रन नहीं बनाए, पर आपने अच्छा बोला कि कप्तानी उस दिख रही है वो, और जैसे वो पावर प्ले में अर्शदीप को रोका, कीपर ऊपर आया, तो उनके दिमाग में चल रहा है यार मैं अच्छा खेल रहा था, मेरा रन नहीं बना वो। बट मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि बॉलर भी वो जिसके पास जा रहे हैं वो विकेट का ऑप्शन नहीं दे रहे, वो ऐश को बुलाया है, वो बैकफुट पे स्लो नहीं डाल रहे, अपना कैरम भी ट्राई करें, अक्षर को ट्राई करें, तो एलेक्स हेल ने अच्छे शॉट मारे, उनका पेस यूज़ किया, अगर चहल होता उनके पास तो वही ऑप्शन था जो उनको विकेट दिला सकते, विकेट उनके अकॉर्डिंग ही बना हुआ था वो। तो आपने अच्छा बोला, बैटिंग जब नहीं होती बींगे कैप्टन आप सोचते यार अभी अच्छा नहीं हुआ, टीम हार जाएगी, फिर मुझे जाके जवाब देना पड़ेगा वो, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन रोहित एक अच्छे इंसान है, और उससे ज़्यादा वो एक अच्छे थिंकर क्रिकेटर है, वो उन्होंने पूरा जी जान लगाया वर्ल्ड कप में, और मुझे लगता है थोड़ा टीम सिलेक्शन खराब था, अगर वो बेटर होता तो ये मैच में 20-25 रन ज़्यादा बनते, हम जीत भी सकते थे, पर आई थिंक हमारी टीम ने मेहनत की, हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, बहुत दूर गए हैं वो लोग, और मेहनत करिए, क्योंकि एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी, वो अगर इसे सीखेंगे, अभी बैक टू बैक वर्ल्ड कप लगे हुए, अगर यहाँ से आप इस जीत हार से सीख के जाओगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जीत होगी। पहले पता होता था कि अच्छा 4 साल में होने वाला है, अब तो कब अचानक एक T20 वर्ल्ड कप, फिर अचानक पता चला कि दूसरा वर्ल्ड कप हो रहा है, फिर कौन सी चैंपियनशिप हो रही है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर आप जीत नहीं पाते हैं, उस वर्कलोड मैनेजमेंट की बात होती है जो इंडिविजुअल खिलाड़ियों को तो मैनेज कर रही है, लेकिन समझ नहीं आता किस टूर्नामेंट के लिए मैनेज कर रही है, लेकिन इन सारी चीजों के बीच विक्रांत एक फ्रेज का इस्तेमाल एक कॉमेंटेटर ने रविंद्र जडेजा के लिए बड़ा नेगेटिवली किया था, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर, पर मुझे लगता है कि इस टीम में उन बिट्स एंड पीसेस प्लेयर की ही कमी लगती है। सर एक पॉइंट एक्चुअली बिट्स एंड पीसेस श्वेता वही उसकी कॉनोटेशन, शायद उनका कहने का मतलब कुछ और था, शायद उसका मतलब कुछ और निकल गया, लेकिन रविंद्र जडेजा का चोटिल होना एक झटका था, बिकॉज ऑल सेड एंड डन अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल ने एशिया कप में बड़ा अच्छा, ये एशिया कप के बाद इंडिया में उन्होंने बड़ा अच्छा बॉल डाला, बट यहाँ आके इन विकेटों पे क्या होता है, कहते हैं ना वो मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी थिन, आज भी देखिए उनकी जो पिटाई हुई है, मुझे तो ये लग रहा था शायद इंडिया चेंज, बट अब क्या होता है, आप पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हेड और द टेल, आप ये कहते हैं कि अश्विन को खिलाना पड़ेगा, 8 नंबर पे बैटिंग नहीं है, अरे भाई आपके पास एक लेग स्पिनर बाहर बैठा है, पर हमें अश्विन को खिलाना पड़ेगा, 8 नंबर पर बैटिंग नहीं है,
अक्षर पटेल ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया है और कहीं ना कहीं ये कप्तान पे ये बात आ ही जाएगी ना, कोच पे ये बात आ ही जाएगी। चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा भी यहाँ पे है, पूछा तो उनसे भी जाना चाहिए। अगर उनकी से नहीं है 11 में या उनकी सोच नहीं है फिर शायद उनको यहाँ होना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें तो हैं श्वेता, लेकिन अब आप सवाल ये है ना जो सुरेश राणा कह रहे हैं अगले साल एक और वर्ल्ड कप आ जाएगा, तो अगले साल एक और वर्ल्ड कप जो आएगा क्या फिर से दिल तोड़ने के लिए आएगा? क्या आज हम अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं? मैंने जो सोचा था मतलब एक साल पहले वो ये सोचा था जब हम T20 वर्ल्ड कप हारे थे, मुझे लगा यार अब ना अगर हम T20 में थोड़े से बदलाव कर देंगे, कुछ यंग प्लेयर्स को डाल देंगे तो उन प्लेयरों को 2 साल मिल जाएंगे 50 ओवर के वर्ल्ड कप के लिए भी। अब क्या होगा मैं आपको आज लिख के दे देता हूं, जो टीम आज आपकी T20 का वर्ल्ड कप खेली है बारिंग एक या दो खिलाड़ी, आपकी तकरीबन यही बैटिंग अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रही होगी। एक साल बाद उनमें से कुछ फॉर्म से जूझ रहे होंगे, कुछ फिटनेस से जूझ रहे होंगे, लेकिन आपकी सिलेक्शन होगी रेप्यूटेशन पे, नाम पे। आप उस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, उस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और चीज होगी, वो होगी वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट किसको सूट करता है? एक यंग प्लेयर को कभी सूट नहीं करता। यंग प्लेयर हर रोज खेलना चाहता है, वो सूट करता है उसको जो फॉर्म जिसकी अच्छी ना चल रही हो, जिसकी फिटनेस को लेकर हल्का सा इशू हो, वो कोशिश करता है बाईपास ये 2 मैच खेलिए, बाईपास 7 मैच नहीं खेले, करते करते मैं वर्ल्ड कप तक रहूं। आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, वो आप प्लेयर पे नहीं छोड़ सकते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट इन्होंने कहा जब हम यहाँ पे पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जब पहला प्रैक्टिस सेशन हुआ तो हमें बताया गया कि ना एक वर्कलोड मैनेजमेंट यहाँ पर भी होगा। मुझे लगा पता नहीं ये कह रहे हैं कि शायद प्लेयरों को यहाँ पे भी दो 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 मैच का आराम दे दिया जाएगा। मैंने कहा प्लेयर कैसे पूरे होंगे कि हम लोगों को खिलाएंगे? अच्छा फिर ये हुआ नहीं 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 वो प्रैक्टिस में होगा। मैंने कहा अच्छा, फिर ये कहा गया ऑप्शनल। तो मैंने पूछा एक बड़े सीनियर टीम मैनेजमेंट के, मैंने कहा मुझे ये समझाइए कि ऑप्शनल और वर्कलोड मैनेजमेंट में कोई फर्क है? उन्होंने कहा नहीं नहीं एक ही बात है। मैंने कहा एक बात नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि आज ये प्रैक्टिस करेंगे, आज ये प्रैक्टिस करेंगे, कल ये नहीं करेंगे। ऑप्शनल प्रैक्टिस है, मैं प्लेयर हूं, मैं डिसाइड करूं आज सॉरी मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं आज नहीं जाऊंगा। मैं ठीक है, इन्होंने बॉलर्स को नहीं लेके आते थे, फास्ट बॉलर्स को नहीं लेके आते थे टू एन एक्सटेंट, मुझे लगा चलो यार फास्ट बॉलर्स, बट अगेन आपने एक वर्ल्ड कप के मैच में 4 ही तो ओवर डालने, अगले दिन तो आपने ट्रेवल करना है, फिर आपके पास 2 दिन होते हैं। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी परसों और कल सारे फास्ट बॉलरों ने नेट में बॉल डाला, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा जी ऑप्शनल कर देते हैं, वर्कलोड कर देते हैं। अगेन यो ये श्वेता ये सब बातें होती रहेगी। 2019 वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हारे थे, मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा यार ये टीम लीड से आई है, जब लास्ट लीग मैच खेल के एक दिन पहले हम पहुंचे थे मैनचेस्टर, अगले दिन न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल था, आप जानते ना ट्रेंट बोल्ट है, सऊदी है ट्रेंट बोल्ट, उस दिन भी प्रैक्टिस में 2 या 3 प्लेयर आए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अगले दिन क्या हुआ न्यूजीलैंड ने आपके 4 आउट कर दिए। सो द पॉइंट इज कि यू cannot prepare to fail. Preparation आपको ये बताती है कि आप तैयारी करें। Again, मैं the great Sachin Tendulkar, सुरेश राणा खेले उनके साथ, आप पूछिए इनको। अरे एक 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 बड़ा दिलचस्प टेस्ट मैच हुआ था नेपियर में 2009 न्यूजीलैंड दौरे पे, इंडिया टेस्ट मैच जीत गया हैमिल्टन में एक दिन पहले और टीम ऑकलैंड चली गई राधर देन नेपियर जाने के, 3 दिन का आराम होता है। टीम 2-3 दिन ऑकलैंड में रही और नेपियर टेस्ट मैच से आधा दिन पहले दोपहर को आई। मैं नाम नहीं लूंगा, 4 सीनियर प्लेयर्स थे जिनकी बहुत बड़ी पेडिग्री, मैंने उनसे पूछा एंड दे वर डिसअपॉइंटेड, उन्होंने कहा यार ये क्या बात है यार। और अगले दिन इंडिया ने बड़ी मुश्किल वो टेस्ट मैच बचाया था, तो वो भी लोग थे वो कहते यार प्रैक्टिस तो करनी है यार, प्रैक्टिस नहीं छोड़। आपको कभी कभी मैं मानता हूं कि जब वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है आपको हर रोज प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, अग्रीड। अगर मैं आपको बही खाता दूंगा, मेलबर्न 22 तारीख ऑनवर्ड्स आज जो भी डेट है, अगर मैं आपको एक डेट शीट बना के दूंगा आपको कि किस प्लेयर ने कितनी प्रैक्टिस की, आप हैरान रह जाएंगे।